गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चिंचोली तालुका के चंदापुर विलेज में आज एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी से रेप होने का वाकया पेश आया है। दुकान गई थी तो चॉकलेट लाने के लिए चले गई थी, गाय के बाद में वो बच्ची को अंदर ले लेके ऐसा गलीज ये कर दिया था। चंदापुर के अंदर ये जो था हादसा पेश आया है ये दरिंदगी का, और वो जो लड़का है ये मामले में जो इन्वॉल्व है, पुलिस वाले वहाँ पे जो है ना उसको अरेस्ट किए हैं। माँ को बहुत टेंशन हो रही है, ये बच्ची का हमारा क्या होता है क्या नहीं, क्या माँ को बहुत इसका इंसाफ दिलाना तुम लोग क्या भी करो तुम्हारे। ये लड़की के दादी हैं, 4 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार होने का ये जो दरिंदगी वाकया पेश आया है चंदापुर विलेज चिंचोली तालुका में। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, 4 साल बच्ची है, उस बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी की है। बहुत ही बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर आए दिन छोटे मासूम 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चियों के साथ ये बलात्कार के वाकये पेश आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दुनिया भर में ये दरिंदगी का माहौल फैल चुका है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से ये कांड हो रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर सख्त एक्शन लेगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। सारे इंसानियत के लिए मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। अपने मासूम बच्चों को अपने घर के बाहर तन्हा अकेली जाने नहीं देना, उनको दुकानों को स्कूलों को खासकर ये लोगों पे नज़र रखना, कहीं भी तन्हा नहीं भेजना। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट चिंचोली तालुका के चंदापुर विलेज में आज एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी से रेप होने का वाकया पेश आया है। आज उस लड़की के घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, यहां पर आप देख सकते हैं गुलबर्गा जिम्स हॉस्पिटल में उस बच्ची को यहां पर लाया गया है। किस तरह से यह वाकया पेश आया, किस दरिंदे ने उस मासूम लड़की के साथ ये दरिंदगी की है, तमाम डिटेल हम जानेंगे। उस लड़की के यहाँ पर परिवार वाले मौजूद हैं। चंदापुर विलेज से आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या हुआ तमाम तफसीलात बताइए। 2 बजे के टाइम में बच्ची दुकान को गई थी, दुकान गई थी तो चॉकलेट लाने के लिए चले गई थी, गाय के बाद में वो बच्चा बच्ची को अंदर ले लेके ऐसा गलीज ये कर दिया सर। हाँ। करके बहुत वो हो गया सर, बहुत बहुत परेशान हो गए सर, हम क्या करें आप बोलना सर हमें। कौन आप, लड़की की क्या होना? लड़की की दादी हूँ ना मैं। आप लड़की की दादी हूँ ना? हाँ लड़की की दादी हूँ। लड़का कौन, किराने दुकान चलाता है क्या है? किराने दुकान चलाता है सर, वो बहुत परेशान है हम लोग तो, बहुत बहुत क्या बोलना साहब हम लोग। कैसे आंटी, किस तरह से आप लोगों को कैसे पता चला लड़की दुकान गई? बच्ची दुकान से रोना चलाना करे तो बाजू वाले देख के फिर ऐसी बात है सर तुम्हारी बच्ची ऐसा रो लेते आ रही बोल के नए माँ जाके फिर हमारी भाव जाके लेके तो ऐसा चड्डी पकड़ के लेकर ली वो बच्ची। लका देखे तो बच्चे को मारते देखो सही सही बोलो बोले तो बोलिया वो हाँ मैं करा बोल के बोला सा, वो रिकॉर्डिंग भी है वो। लड़का कहाँ पे है? लड़का वो पुलिस स्टेशन में है चिंचोली के। बहुत हाइपोथेटिकल हो रही है सर हमारी बच्ची को क्या होता है कि क्या नहीं कि सर मैं क्या करूँ मैं। माँ को बहुत टेंशन हो रही है सर, ये बच्ची का हमारा क्या होता है क्या नहीं, क्या माँ को बहुत इसका इंसाफ दिलाना तुम लोग क्या भी करो तुम्हारे। जिस तरह से अभी आप यहाँ पर सुन रहे थे कि ये लड़की के दादी हैं, 4 साल की मासूम लड़की के साथ बलात्कार होने का ये जो दरिंदगी वाकया पेश आया है चंदापुर विलेज चिंचोली तालुका में, लड़की के दादी का कहना है कि उस जिसने ये हरकत की है उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया है। चिंचोली तालुका के पुलिस स्टेशन में अभी वो गिरफ्तार हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर अलीम साहब मौजूद हैं, ये भी इनके साथ यहाँ पर आए हैं। तमाम तफसीलात इनसे भी जानेंगे कि आप यहाँ पर आए तो क्या तमाम हालात यहाँ पर नज़र आए आपको। यहाँ पे चंदापुर के अंदर ये जो हादसा पेश आया है ये दरिंदगी का, और वो जो लड़का है ये मामले में जो इन्वॉल्व है, पुलिस वाले वहाँ पे जो है ना उसको अरेस्ट किए हैं। वहाँ अरेस्ट करके अभी SP मैडम से भी बात हुई है, वो बोलेंगे अभी जो भी इसके अंदर मेडिकल हेल्प हो सकती है बच्ची के लिए लेकर आके अभी यहाँ जिम्स में एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट अभी चालू है। बच्ची की कंडीशन तो अभी फिलहाल नॉर्मल नहीं है, अभी कंडीशन और हालात भी ख़राब है बच्ची का अभी, तो अभी जो भी हो सकता है अभी फर्दर जो भी होगा इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। अभी बच्ची की तो कंडीशन तो ठीक नहीं है फिलहाल, हालात तो बच्ची के ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है। देखिए अलीम भाई, जिस तरह से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर आए दिन इस तरह से
मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होने के वाकये पेश आ रहे हैं। लगातार इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, उसके बावजूद भी जो इंसिडेंट मासूम बच्चियों के साथ हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या डिपार्टमेंट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? डिपार्टमेंट से यही गुजारिश है हमारी, आए दिन ये हादसात पेश आ रहे हैं, डिपार्टमेंट का कोई डर नहीं है लोगों को। ये लोग जो है ना बेल लेकर बाहर आ रहे हैं, बाहर आने के बाद फिर वही चीज़ कंटिन्यू हो रही। हम डिपार्टमेंट से यही गुजारिश कर देंगे कि जो इसको जो है ना सख्त से सख्त सजा दें और ये लोगों को इंसाफ दिलाएं फैमिली वालों को, और इसके अंदर जो भी कंपनसेट हो सकता है ये फैमिली के लिए कंपनसेट करें इसके अंदर। चंदापुर विलेज चंदापुर तालुका चिंचोली में आज बर्बरियत वाला एक हैवानियत वाला मामला पेश आया है। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, 4 साल की बच्ची है, उस बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी की है। बहुत ही बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम मैडम एसपी मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इनके लिए ऐसी पनिशमेंट कीजिए कि आने वाले दिनों में दूसरा हैवान ये चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचे। इस वजह से क्या है, मान छोटी सी एक फूल जैसी नाजुक बच्ची है, मासूम सी बच्ची है, देखने के बाद हमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसी हरकत किया है हैवान, उसको जो है ना मैडम एसपी मैडम से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। मैं तो बोलता हूँ उसका इनकाउंटर कीजिए, क्योंकि दूसरे हैवानों के लिए आने वाले दिनों में जो ना उसके लिए इबरत हो। जिस तरह से अभी आप यहाँ पर देख रहे थे, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कई सोशल एक्टिविस्ट भी यहाँ पर जो लड़की के फैमिली के साथ सपोर्ट के लिए आगे आए हैं। चिंचोली तालुका में ये जो इंसिडेंट हुआ है ये पहला इंसिडेंट नहीं है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में हर आए दिन छोटे मासूम 2 साल 4 साल 5 साल की बच्चियों के साथ ये बलात्कार के वाकये पेश आ रहे हैं। हम पुलिस डिपार्टमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि एसपी ईशा मैडम से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को जल्द से जल्द चलाकर उसको फांसी की सज़ा होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट से एक भी केस में फांसी की सज़ा नहीं हुई है, इसलिए दरिंदगी के केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दुनिया भर में ये दरिंदगी का माहौल फैल चुका है। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से ये कांड हो रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर सख्त एक्शन लेगा तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये नहीं होगा। सारे इंसानियत के लिए मैसेज पहुंचाना ज़रूरी है। एक चंदापुर गांव में एक मासूम सी बच्ची 4 साल की, जो बिल्कुल दुनिया से अभी दुनिया देखी ही नहीं है, ऐसी बच्ची के साथ अगर दरिंदगी की जाती है तो मैं डिपार्टमेंट से अदबाना गुजारिश करता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इसको फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा 4 दीवारियों में ना हो, ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज मिले, ऐसी दरिंदगी करने वालों को खुली प्लेस में फांसी देना चाहिए, ताकि इबरत वाला माहौल हो, दूसरे कभी कोई लोग ऐसा काम शर्मनाक काम करने की जो है ना जरूरत ना करे। मैं ईशापन मैडम से और हमारे IGP साहब से मैं अपील करता हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह सुबहान तौला उनकी फैमिली को सबर अदा करें और वो जो बच्ची जो फिलौत घायल है, अल्लाह सुबहान तौला वो बच्ची को जो है ना महफूज रखें। और मैं पूरे गुलबर्गा के अवाम से अपील करता हूँ कि आप अपनी औलाद को सेफ रखिए। चिंचोली तालुके में चंदापुर विलेज में आज दोपहर में एक मासूम बच्ची जिसकी उम्र 3 से 3.5 साल है, एक दरिंदे ने उसको हवस का शिकार बनाया। इसका पूरे का पूरा जिम्मेदार हमारा माशरा है और उस बच्ची के पेरेंट्स है जो तन्हा अपनी बच्ची को दुकानों को भेजते हैं तरकारी लाने, अनाज लाने, गोश्त लाने, गुटखा सिगरेट मंगाते हैं ऐसे मासूम बच्चों से। कुछ ऐसे दरिंदे फैले हुए हैं जो समाज में बदमना दाग है, ये लोगों ऐसे मासूम बच्चों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। लिहाजा मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी हमारी कौम के लोग हैं या दूसरी कौम के लोग हैं, अपने मासूम बच्चों को अपने घर के बाहर तन्हा अकेली जाने नहीं देना, उनको दुकानों को स्कूलों को खासकर ये लोगों पे नज़र रखना, कहीं भी तन्हा नहीं भेजना, ये हम उन पर नज़र रखना, उनके साथ में रहना। लिहाजा अब ये जो वाकया पेश आया, ये दरिंदा ऑलरेडी पकड़ चुके हैं ये दरिंदे को, और मेरी पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है, ऐसे दरिंदे को चौरस्ते पे लेकर आकर पब्लिक के सामने सजा देना।